के गाजीपुर लैंडफिल साइट में रविवार शाम से भीषण आग लगी है। डंपिंग यार्ड से पिछले करीब 12 घंटे से आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार निकल रहा है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगातार जुटी हैं। दिल्ली फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें रविवार शाम करीब 6 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। शुरुआत में 2 दमकल गाड़ियों को भेजा गया, बाद में 8 और गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। इनमें से 4 गाड़ियां डंपिंग यार्ड के ऊपरी हिस्से पर हैं और आग लगने का कारण गर्म और शुष्क मौसम बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि गीला कबाड़ दबे रहने से उसमें हीट पैदा होती है, फिर उसमें गैस बनती है जिससे आग लगती है। फिलहाल घटना में किसी के हताहत की खबर नहीं है। कचरे के ढेर से धुआं निकलने से आसपास की कॉलोनी में रहने वाले लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने लैंडफिल साइट के आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी है और दमकल की गाड़ियां आसानी से आ सके इसके लिए सड़कों को भी खाली कराया गया है। आम लोगों को वहां खड़े होने या वीडियो बनाने से रोका गया। दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गाजीपुर लैंडफिल साइट के एक छोटे से हिस्से में आग लगी और सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हालात नियंत्रण में हैं। वहीं मेयर ने आगे क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। कल शाम को जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर आग लग गई है, मैं दिल्ली में नहीं थी, और जैसे ही पता लगा मैंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि आकर जायजा लें और सारे रिसोर्सेज लगाकर आग को काबू में लाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी तमाम अधिकारियों का। कल शाम से आज रात सुबह तक पूरी रात वो लोग इस मौके पर रहे और आप देख सकते हैं पहले से स्थिति बेहतर है। और कल मेरी गैर मौजूदगी में जो डिप्टी मेयर मोहम्मद आले इकबाल जी हैं, उन्होंने भी आकर जायजा लिया। साथ ही यहाँ के विधायक कुलदीप कुमार जी हैं, इन्होंने भी जायजा लिया, आज भी हमारे साथ में हैं। और आप देख सकते हैं हमने 10 से 12 एक्सवेटर्स लगाए हैं और स्थिति अब पहले से काबू में है, कंट्रोल में है। रही बात कुछ और धुएं की, तो अभी कुछ 4-5 घंटे में स्थिति और कंट्रोल में आ जाएगी, डरने की कोई बात नहीं है। कारण क्या है, रीजन क्या है आग लगने का? देखिए, जैसे एक बार पूरी तरह से आग काबू में आ जाएगी, हम पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या रीजन रहे और आपको बता दिया जाएगा।